चलो भाई, थोड़ी देर पहले आप ऑजीज का जिक्र कर रहे थे कि कैसे हर किसी के लिए हेडेक एक तरह का सिरदर्द वो बने रहते थे, बड़ा चैलेंज थे। मेरे जहन में 2007 वर्ल्ड टी20 आता है। आज धोनी को भी फैंस ने बहुत याद किया है, और 2007 को वर्ल्ड टी20, फिर हमने विराट कोहली को अंडर 19 भी जीतते देखा, फिर इसी इंडियन टीम को हमने 2011 में वर्ल्ड कप जीतते देखा, चैंपियंस ट्रॉफी जीतते देखा। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, और ये मैं क्योंकि आपके इमोशंस थोड़े से डिफरेंट होंगे एज अपोज टू इंडियंस, क्योंकि हमारे उसके साथ में जो अलग कनेक्ट है, एज एन एक्सपर्ट ऑल्सो एंड एज अ फॉर्मर पेसर, आपको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से इस टीम में क्या मतलब प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? हम इतने सालों से आईसीसी टूर्नामेंट्स में लड़खड़ाने क्यों लगे? प्रेशर, सिर्फ प्रेशर, और कोई और वजह नहीं। मुझे तो और कुछ ही समझ नहीं आ रही है सुनते, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है और वो इतना ज्यादा प्रेशर अब्सॉर्ब कर जाते हैं कि मुझे लगता है कि वो सम टाइम उस प्रेशर को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। मैंने जितने मैंने देखा, मैंने इंडिया का मैच बड़े क्लोजली देखा यहाँ पे दुबई में, कि जहाँ पे मुझे लगा कि इंडिया वाज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। आई एम सॉरी, आई हैव टू से दिस, बट इट इज थ्रू द मीडिया, यस, इट इज थ्रू द बीसीसीआई, यस, आवाम से, यस। एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है, इतने बड़े स्टार आपने बना दिए हैं, आप उनसे कुछ इस छोटी चीज एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहते हो, बट टू जस्ट विन। लेकिन ऐसा केस नहीं है दुनिया में। बटलर भी एक बड़ा प्लेयर है, बटलर कोई छोटा प्लेयर नहीं है। बटलर कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि विराट कोहली ग्रेटेस्ट नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन बटलर कोई छोटा प्लेयर नहीं है। हेल्स कोई अच्छा प्लेयर, जैसे आप कह सकते हैं कि अच्छा प्लेयर नहीं है, वो बड़ा प्लेयर है, उसने मारा दिखाया उसने। बट मुझे लगा कि इंडिया, जो मैंने दुबई मैच देखा, कि फंसी हुई है, मतलब पता नहीं किस चीज के खौफ में फंसी हुई है। तो पाकिस्तान ने पूरा मैच 10 विकेटों से हरा दिया उनको, याद है वह मैच, वही चीज रिपीट हुई दोबारा यहाँ पे एडिलेड में 10 विकेटों से। तो समहाउ मुझे लगता है कि जहां पे इंडिया डोमिनेट कर सकता है या डोमिनेट करना चाहिए, वो है बॉलिंग, वो है स्पिन एरिया आपका, वो फास्ट बॉलिंग का एरिया है। बैट्समैन आपके पास अच्छे हैं, लेकिन आपको ढूंढने पड़ेंगे जो टेरराइज कर सके, जो टेयर अवे फास्ट बॉलर हों, जिन पे आप काम कर सके। जो ऐसे बच्चे हैं, क्यों नहीं कर सकते यार, 1.45 बिलियन की आबादी है, कोई ना कोई तो होगा ना यार, तो जो तेज बॉल करने वाला होगा, कोई भी एटीट्यूड वाला होगा, ऐसा होगा। मतलब मुझे ये लगता है कि आपके पास वो एम्यूनेशन पूरा नहीं है, जिसकी वजह से आप टीम पे दबाव डाल सकते हैं। यार बैटिंग अब अच्छी कर लोगे, 170 एज कैप सेड इट, छोटे रन नहीं है। पाकिस्तान ने 150 फसाया हुआ है भाई, पाकिस्तान ने भी आपको फसाया हुआ है इस रनों पे, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉलिंग ठीक है ना। तो आप देखें ना, यहाँ पे पार स्कोर, एट पार स्कोर जो था 150-160, इससे ऊपर नहीं जा रहा। तो टीमों ने डिफेंड किया, किससे किया डिफेंड? बॉलिंग से। तो यहाँ पे भी आपको बॉलिंग से डिफेंड करना पड़ेगा। तो आप सॉरी टू से दिस, मेलबर्न जैसी विकेटें आपको रोज तो नहीं मिलेंगी ना। आप मेलबर्न जैसी विकेटें आपको सीम भी मिले, आपको बाउंस भी मिले, वहां पे आप मजे से बॉलिंग भी करें। अगेन आई वुड से दिस, यू नो, यू गो बैक ऑन ड्रॉइंग बोर्ड। अगर राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो ठीक आइडेंटिफाई कर रहे थे, अब इसको एड्रेस करें। आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, अब एड्रेस करने का मामला है कि एड्रेस कैसे करते हैं। और वो जो एड्रेस करेंगे इस प्रॉब्लम को, हमें नजर आना चाहिए कि यार कि 2 महीनों के अंदर ये मामला उनको ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए उनको भी रूथलेस होना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से दिस कि आपको अपनी सिलेक्शन में भी रूथलेस होना पड़ेगा। ये नहीं है तरीका कि आपने अपनी मर्जी से एज अ